बड़ी खबरों की तरफ। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी राजकोट में जनसभा में बोले, मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, हर नागरिक तक सुविधा पहुंचाना प्राथमिकता। दिल्ली में ड्रोन महोत्सव की समय अवधि बढ़ाई, कल दोपहर 2 बजे तक होगा आयोजन। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में करेंगे रैली। दिल्ली उपचुनाव में राजेंद्र नगर से आपके प्रत्याशी होंगे दुर्गेश पाठक। कुत्ता घुमाने वाले आईएएस दंपति के समर्थन में मेनका गांधी ट्रांसफर पर बोली, ये क्या तरीका है। राजस्थान के जयपुर में एक ही परिवार की 3 महिलाओं के शव कुएं में मिले। यूपी के कन्नौज में कारोबारी के घर मिला था 200 करोड़ कैश, जांच में आईटी विभाग भी शामिल हुआ। रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग को फ्लाइट में चढ़ने से रोका, डीजीसीए ने इंडिगो पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। महाराष्ट्र में मंत्री अनिल परब के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दायर की याचिका। जमीयत के सम्मेलन में बोले महमूद असद मदनी, हमें हमारे ही देश में अजनबी बना दिया गया है। जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में शायर नवाब देवबंदी बोले, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ने की जरूरत नहीं। केरल में पीएफआई के समर्थन में नारे लगने पर 18 और लोग गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में पुलिस और नबला खरवार गैंग के बीच हुई मुठभेड़। देश भर में कोरोना संक्रमण के 2685 नए मरीज मिले। गाजियाबाद में बीती रात 2 एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी गैंगस्टर हुआ ढेर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज